हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे कि धरती का मैग्नेटिक पोल अब शिफ्ट कर रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जानेंगे कि धरती के पास एक मैग्नेटिक पोल है क्यों, मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, क्या धरती के अलावा मार्स, वीनस, बाकी प्लैनेट्स की भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसका यूज़ क्या होता है। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगेन, वेरे इस एग्जाम्स की तैयारी घर बैठे आप कर सकते हैं विद आर पेन ड्राइव कोर्सेज, जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं studyiq.com पे, और यू कैन कॉल दीज नंबर्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नाउ यूपीएससी परस्पेक्टिव की अगर हम बात करें तो ये टॉपिक मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मेंस में जीएस पेपर वन के सिलेबस में लिखा हुआ है ज्योग्राफी सब सेक्शन चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स, तो इसके बारे में आपको बताना चाहिए। और इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल पूछा जा चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स में। ये सवाल है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लैनेट अर्थ, प्लैनेट अर्थ का जो स्ट्रक्चर है बिलो द मेंटल, आपको पता है कि अगर आप अर्थ में ड्रिलिंग करते रहो फिर एक टाइम पे आप मेंटल तक भी पहुंच जाओगे। बिलो द मेंटल द कोर इज मेनली मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जो कोर है अर्थ का इनमें से किस चीज से मेनली बना हुआ है, मेनली लिखा हुआ है यहां पे, ठीक है। तो यहां पे सही आंसर जो है मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। सही आंसर है यहां पे सी, आयरन। जो कोर है धरती का वो ज्यादातर बना हुआ है आयरन और निकल से, उसके अलावा आपको सल्फर और भी वहां पे आपको कंटेंट मिलेगा, मगर प्राइमरली वहां पे आपको आयरन मिलेगा। नाउ धरती का जो कोर है इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो टॉपिक है उसकी शुरुआत धरती के कोर से ही होती है। अब जरा इस फोटो पे ध्यान देना, यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी काफ़ी बिल्ड होगी। ये आपके सामने धरती है, हम लोग ऑफकोर्स इसके क्रस्ट पे यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, जो इसका आउटर पार्ट है, यहाँ पे हमारी कंट्रीज़ कॉन्टिनेंट सब अवेलेबल है। उसके नीचे आप ड्रिल करोगे अगर, तो सबसे पहले आपको मिलेगा रिजिड मेंटल, उसके नीचे आता है एस्थेनोस्फेयर, फिर उसके नीचे जो ये पार्ट है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं स्टिफर मेंटल, और उसके नीचे आता है कोर। नाउ कोर दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है आउटर कोर और फिर है इनर कोर। ये आप देख रहे हैं ये मेन पार्ट, सबसे अंदर का पार्ट, इसे हम कहते हैं द इनर कोर, और ये है आउटर कोर। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि जो आउटर कोर है ये वाला पार्ट, ये लिक्विड है, ये जो पार्ट है यहाँ पर, ये आपको आयरन निकल सल्फर वगैरह ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा, मगर ये जो कॉम्पोजिशन है वेरियस मेटल्स का यहाँ पे, ये लिक्विड फॉर्म में है। मगर जो इनर कोर है सबसे अंदर का पार्ट, बहुत ज़्यादा यहाँ पे तापमान हाई होता है, जितना सूर्य का तापमान होता है ऑलमोस्ट उतना ही होता है, ये सॉलिड है। ये चीज़ रजिस्टर कर लो, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो अंदर का ये पार्ट है इट इज़ सॉलिड, और जो आउटर कोर है ये वाला, ये लिक्विड है। अब एक क्वेश्चन सामने आपके आएगा कि जो अर्थ का सबसे इनर पार्ट है अगर वो धरती का सबसे गर्म पार्ट है, जो इनर कोर इट इज सो हॉट, तो वो सॉलिड फॉर्म में क्यों है, और उसके आसपास का जो कोर है, जो आउटर कोर है, वो फिर लिक्विड में क्यों है। देखिए आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि जो इनर कोर है इट इज सॉलिड ड्यू टू हाई प्रेशर, द इनर कोर इज इंडीड हॉटर देन द आउटर कोर, वो मैंने आपको बताया। हाउएवर जो प्रेशर पड़ता है इनर कोर पे, पूरी धरती का कमाल का प्रेशर पड़ता है, इज ग्रेटर देन द प्रेशर ऑन द आउटर कोर, आउटर कोर पे उतना प्रेशर नहीं पड़ता जितना इनर कोर पे पड़ता है, एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कोर इंक्रीजेस एज द प्रेशर गोज अप, सो बिकॉज ऑफ द प्रेशर इफेक्ट ओवर राइड्स द टेम्परेचर इफेक्ट्स द इनर कोर इज सॉलिडिफाइड। तो क्या है कि देखो जो आयरन है सबसे ज़्यादा आपको आयरन ही मिलेगा कोर में, तो सिंस वहाँ पे इतना प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर इतना ज़्यादा है कि जो उसकी टेम्परेचर की पावर है उसको ओवरराइड कर देता है और पूरे एरिया को बहुत ज़्यादा सॉलिड बना देता है। अब जो मैंने आपको कोर के बारे में बताया है वो सब इन्फॉर्मेशन हमने माइंड में रखना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बनती कैसे है उसमें उस कोर का बहुत ही वाइटल रोल है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, फिर वो कोर वाली बात पे हम वापस आएंगे। धरती के पास एक ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम जियो मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड धरती के अंदर से, जो इंटीरियर पार्ट है धरती का काफ़ी अंदर, वहाँ से स्टार्ट होती है और आउटर स्पेस तक फैलती है। ये कुछ ऐसे दिखती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये धरती है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ से बीच से शुरू होती है और फिर पूरे आउटर स्पेस में इस तरीके से फैलती है, अदृश्य होती है, आप उसको देख नहीं पाएंगे,
फ्रॉम द नेकेड आई, मगर वो एग्जिस्ट करती है और फार आउट जो सन के सोलर फ्लेयर का इम्पैक्ट है वहाँ तक वो पहुँचती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा इंटेंस होती है नॉर्थ और साउथ पोल पे। अभी बेसिक्स है, अभी काफ़ी इस पर एक्सप्लेनेशन ऐड होती रहेगी, अभी जो इंट्रोडक्शन है वो समझते जाओ। नाउ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है धरती के लिए इन टर्म्स ऑफ लाइफ। धरती पे लाइफ अगर है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का एक बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल रहा है सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम, जब से डायनासोर थे और जब हम ह्यूमन बींग्स आ गए हैं, ऑल दिस वाइल मैग्नेटिक फील्ड का एक वाइटल रोल रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे, एक मिनट, जो मैंने आपको अभी दिखाई थी ये वाला जो पार्ट है ना, जो धरती के काफ़ी करीब है और ऑलमोस्ट धरती के आसपास एक शील्ड, एक कवच बना देता है, इसे हम कहते हैं मैग्नीटोस्फेयर। ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड द मैग्नीटोस्फेयर। और ये मैग्नीटोस्फेयर एज आई सेड अर्लियर नेकेड आई से विजिबल नहीं है, मगर ये एग्जिस्ट करता है और ये धरती को बचाता है। किस चीज़ से? सूर्य की तरफ से जो सोलर फ्लेयर्स आती हैं उसकी गर्मी से हमको बचाता है, और उसके अलावा जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है उससे भी बचा के रखता है। एटमॉस्फेयर तो बचाता है, उसके साथ साथ ये मैग्नीटोस्फेयर भी एक बहुत बड़ा हीरो है। ये भी धरती पर जो लाइफ है उसको प्रिजर्व करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ठीक है, मगर हमारे प्लैनेट पर ये मैग्नेटिक फील्ड है क्यों? व्हाई डू वी हैव इट? और काफ़ी अच्छी बात है, मगर व्हाई डू वी हैव इट? देखो, मैग्नेटिक फील्ड जो है धरती की, जो हम कह सकते हैं अर्थ का मैग्नेटिज्म है, इट इज़ जनरेटेड बाय कन्वेक्शन करंट्स ऑफ मोल्टन आयरन एंड निकल एट अर्थ कोर। जैसे मैंने आपको बताया था, जो धरती का कोर है वहाँ पे एक इनर कोर है, आउटर कोर है। जो आउटर कोर है, सिंस इट इज़ मेड ऑफ लिक्विड और वहाँ पे आयरन और निकल आपको मिलेगा, तो जब धरती स्पिन करती है, व्हेन अर्थ स्पिन्स, तो ये जो लिक्विड है ये भी अंदर मूव करता है, और जिस तरीके से ये मूव करता है ये करंट्स पैदा करता है। और जब भी आप देखोगे किसी भी आप मेटल को बार बार रगड़ो, इट कीप्स ऑन मूविंग, और उसको आप लगातार रगड़ते रहो, तो उससे क्या पैदा होगा? इट प्रोड्यूसेस चार्ज। तो दीज करंट्स, जो धरती स्पिन कर रही है, देखो इस तरीके से है धरती, है धरती स्पिन कर रही है, तो जो ये वाला पार्ट है जो आउटर कोर है यहाँ पे काफ़ी टर्बुलेंस होती है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जिस तरीके से आप अगर एक अंडा लें, अंडे को आप तेज़ तेज़ घुमाएं, तो जो अंडे का योक है, जो येलो पार्ट है, वो भी घूमना स्टार्ट कर देगा। तो ऑलमोस्ट यही सीन होता है, मगर सिंस इनर कोर सॉलिड है ये अपनी जगह बना रहता है, ठीक है, यहाँ पे इतनी मूवमेंट नहीं होती, मगर जो ये वाला आउटर कोर है यहाँ पे कमाल की टर्बुलेंस होती है। तो जब यहाँ पे टर्बुलेंस होती है तो उससे करंट्स पैदा होते हैं, सिंस वहाँ पे आयरन और निकल है। दीज करंट्स कैरी स्ट्रीम्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, और यहाँ से पैदा होते हैं चार्ज पार्टिकल्स एंड दे जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड। और इन्हीं चार्ज पार्टिकल्स से ये आयरन निकल जब तेज तेज घूमते हैं ये चार्ज पैदा करते हैं, और उन्हीं चार्ज पार्टिकल से एक मैग्नेटिक फील्ड पूरी धरती को मिलती है। यहाँ से शुरू होती है, कोर से शुरू होती है, और मैग्नेटिक फील्ड फिर पूरी धरती और उसके बाहर तक भी पहुँचती है। ये कुछ कुछ ऐसा ही है जैसे धरती के अंदर एक चुंबक, एक मैग्नेट पैदा हो जाता है। हालांकि जिस तरीके से वो काम करता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे जो आउटर कोर है उसकी मूवमेंट पे सब कुछ डिपेंड करता है, मगर फिर भी इट इज़ समथिंग लाइक अ मैग्नेट इनसाइड प्लैनेट अर्थ। और इस प्रोसेस को हम द कोरियोलिस फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि धरती स्पिन कर रही है उसकी वजह से एक वर्लपुल क्रिएट हो रहा है, और जो ये आउटर कोर है यहाँ पे टर्बुलेंस क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल्स और हैंस एक अर्थ को मैग्नेटिक फील्ड भी मिल रही है, और जो कई बिलियन साल से एग्जिस्ट करती है सिंस द टाइम ऑफ डायनासोर, जब हम ह्यूमन बींग्स आ गए हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड अपनी जगह रही है एंड इट हैज़ प्रोटेक्टेड अर्थ। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है कि आउटर कोर मूव कर रहा है, वहाँ पे चार्ज पार्टिकल जनरेट हो रहे हैं, और सब ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम कहते हैं जियो डायनमो। ये भी याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि ठीक है, अगर अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मतलब मरकरी, वीनस, बाकी जो प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, क्या उनकी भी एक मैग्नेटिक फील्ड है? देखो नहीं, जो सोलर सिस्टम है वहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगी गैस जायंट प्लैनेट्स की, फॉर एग्जांपल जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, जो ऐसे प्लैनेट्स हैं इनकी सबसे पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है। जो बाकी प्लैनेट्स हैं, जो रॉकी प्लैनेट्स हैं,
उनमें से अर्थ की सबसे स्ट्रांगेस्ट मैग्नेटिक फील्ड है, बाकी जो है मरकरी, वीनस, मार्स, वहाँ पे आपको इतनी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी। वीनस की तो ऑलमोस्ट है ही नहीं। मार्स की साइंटिस्ट मानते हैं कि आज से कई बिलियन साल पहले एक मैग्नेटिक फील्ड थी, उसके बाद मार्स का जो कोर है, जो इनर कोर और आउटर कोर, वो दोनों ही सॉलिडिफाई हो गए, वहाँ पे करंट्स इतने पैदा हुए नहीं, और उसी की वजह से एक थ्योरी ये भी कहती है कि मार्स में कोई लाइफ नहीं है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड के यूजेस क्या क्या हैं? देखो मैग्नेटिक फील्ड के प्राइमरली तीन आपको बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ दिखेंगे। पहली बात तो ऑब्वियसली धरती को ये प्रोटेक्ट करता है, कई मिलियन सालों से करता आया है और अभी भी कर रहा है। उसके अलावा काफ़ी सारे एनिमल्स हैं, कुछ रेप्टाइल्स भी हैं, फॉर एग्जांपल कुछ टर्टल्स होते हैं, वो जब माइग्रेशन करते हैं, कई किलोमीटर दूर उनको ट्रैवल करना होता है, तो उनके अंदर एक इनबिल्ट पावर होती है जिसे कहते हैं मैग्नेटो रिसेप्शन। जी हाँ, एनिमल्स के अंदर होती है। वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, उसका नॉर्थ पोल कहाँ पे है, साउथ पोल कहाँ पे है, और उसी हिसाब से अपनी वो जर्नी तय करते हैं। नहीं तो इतना छोटा जानवर कैसे तय कर लेता है कि उसको एक सी पार करना है, तो उसमें काफ़ी बार जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी रोल निभाती है। और उसके अलावा जो मैग्नेटिक पोल है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है उसके दो सबसे ज़्यादा इंटेंस पॉइंट होते हैं उसके मैग्नेटिक पोल, उसका इस्तेमाल करते हैं हम ह्यूमन बीइंग्स। बहुत सी कंट्रीज़ की नेवी, जो हमारी कमर्शियल शिप्स होती हैं, जो हम कंपस इस्तेमाल करते हैं, वो इन मैग्नेटिक पोल्स पर निर्भर करता है डायरेक्शन के लिए, जो हमको बताता है कि नॉर्थ पोल कहाँ पे है, साउथ पोल कहाँ पे है, कहाँ पे जाना है। तो नेविगेशन के लिए हम लोग मैग्नेटिक पोल्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा एयरप्लेन्स भी इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये है मैग्नेटिक पोल, ये धरती है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई जो हमको प्रोटेक्ट करती है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे एक तो है हमारा जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हम मान के चलते हैं कि धरती बिल्कुल सीधी है, मतलब बिल्कुल थोड़ी सी टिल्टेड नहीं है, जबकि इन रियलिटी धरती थोड़ी सी टिल्टेड है। तो ये तो है हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, जो हमारी इमेजिनेशन से आया है, हमने खुद इसको पैदा किया है डिसाइड करने के लिए कि नॉर्थ पोल क्या होगा, साउथ पोल क्या होगा। जो कैनेडा, यूएस जैसी कंट्रीज़ हैं, डेनमार्क, ये नॉर्थ की तरफ हैं, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये साउथ की तरफ हैं, ठीक है। तो ये तो एक ह्यूमन बींग्स का क्रिएट किया हुआ ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल हो गया। फिर होता है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, इसे डिस्कवर किया गया था, सबसे ज़्यादा इंटेंस मैग्नेटिज्म आपको यहाँ पर मिलेगा। तो जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है वो डिसाइड करता है धरती का कोर, जो आउटर कोर है, जैसे वहाँ पर मूवमेंट होती है उसी के हिसाब से जो मैग्नेटिक पोल है वो हिलता रहता है, ठीक है। तो ओवर द ईयर्स मैग्नेटिक नॉर्थ पोल काफ़ी बार हिला है, काफ़ी बार मूव किया है। अब हम देख रहे हैं आज के टाइम में फरवरी 2019 पे जो इस पे चर्चा हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से मूव कर रहा है, जितना एक हमने एंटिसिपेट किया था कि जितना ये मूव करेगा उससे ज़्यादा इसकी स्पीड अब बढ़ गई है। तो ये एक और फोटो है थोड़ी आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो बढ़ाने के लिए। जो मैग्नेटिज्म है धरती का, जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसका जन्म तो कोर से ही होता है, ठीक है। फिर ये सबसे ज़्यादा इंटेंस हो जाता है इस एरिया में, यहाँ पे और यहाँ पे। तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है इसके दो पोल है धरती पे, नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है ये, ठीक है, और है साउथ पोल। अब जैसे मैंने आपको बताया ये थोड़ा सा तिरछा है, थोड़ा सा ये जो धरती का बिल्कुल मिडिल पार्ट है उससे दूर होता है, और हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। जो भी हमारे नेविगेशन सिस्टम है, सबमरीन के सिस्टम, शिप्स के सिस्टम, कोई भी ह्यूमन बींग्स जहाँ पर भी जो नॉर्थ पोल है, जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, उसका इस्तेमाल करके नेविगेट करते हैं, दिशा तय करते हैं, हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है थोड़ा सा तिरछा है और उसी के हिसाब से हम काम करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि अब ये मूव कर रहा है। अब जब ये मूव करेगा, मान के चलो कि आपको एक डायरेक्शन मिली है कि आपको यहाँ पर जाना है, फिर जो डायरेक्शन का पॉइंट है वो चेंज हो जाए वहाँ से, तो आपकी पूरी जो जर्नी है वो चेंज हो जाएगी, जिस तरीके से जाना है वो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है उसका पॉइंट चेंज होता रहा है। एक टाइम पे 1900s के टाइम में ये कनाडा में था, आज के टाइम में ये आर्कटिक ओशन तक पहुँच गया है, और अब बात की जा रही है कि धीरे धीरे ये रशिया का एक रीजन है साइबेरिया, वहाँ तक ये पहुँच जाएगा। तो कनाडा से ये साइबेरिया जा रहा है, एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इसका रीज़न क्या है, देखिए साइंटिस्ट पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है ये इस साइड से इस साइड को क्यों जा रहा है, क्या धरती के अंदर कुछ हलचल हो रही है।
शायद उसकी वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे अभी रिसर्च चल रही है और सिंस जो भी एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है वो धरती के बहुत ही ज़्यादा भीतर को हो रही है, हम वहाँ पे देख नहीं सकते, हम वहाँ पे झांक नहीं सकते कि वहाँ पे हो क्या रहा है। हम बस यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, थ्योरीज बना सकते हैं और उसी के हिसाब से जो भी धरती कर रही है और जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से खुद को अडेप्ट कर सकते हैं। तो अभी जो भी हलचल आप देख रहे हैं वो बेसिकली ह्यूमन बींग्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिंस मैग्नेटिक नॉर्थ पोल शिफ्ट कर रहा है तो जो नेविगेशन है, जो हमारे सिस्टम्स हैं वहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेशन हो रहा है और जो वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल है उसमें चेंजेस लाए जा रहे हैं ताकि जो धरती में बदलाव हो रहा है उसी के हिसाब से हम भी अपने सारे डिवाइसेस, जो भी हमारे पास जो भी नेविगेशन सॉफ्टवेयर है उसको हम अपडेट कर लें। तो क्या है कि जो वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल है ये एक स्टैंडर्ड मॉडल है ऑफ द कोर एंड लार्ज स्केल क्रस्टल मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें अब चेंज लाया जा रहा है। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंज हमको देखने को मिल रहा है इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पे जो डेटा है ये सब अपडेट कर रहे हैं कि अब अगर मान लो एक शिप को ऑस्ट्रेलिया से कनाडा जाना है तो वो किस तरीके से जाएगी, क्या उसका रास्ता होगा, रास्ते में उसको क्या मोड़ लेने हैं, काफ़ी किलोमीटर उसको अब चेंज करना पड़ेगा अपना रूट अगर उसको कनाडा सही तरीके से जाना है। तो इसके लिए जो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके आपको हेडक्वार्टर्स मिलेंगे मोनाको में, वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि जो यहाँ पे चेंज होगा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल का ये 2020-21 के आसपास होगा और ये सिंस एक साल पहले हो रहा है तो इसलिए सारा सॉफ्टवेयर अभी अपडेट किया जा रहा है। और जो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक संगठन है, ज़्यादातर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इसका पार्ट है, इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, USA, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसके सारे मेंबर कंट्रीज हैं। जो लैंड लॉक्ड कंट्री हैं जिनका कोई कोस्टल एरिया नहीं है, जैसे मंगोलिया और बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, या फिर जो अफ्रीकन कंट्रीज इस संगठन में विश्वास नहीं रखती उन्होंने इसको ज्वाइन नहीं कर रखा। बाकी जो मेजर कंट्रीज़ हैं रशिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA, उन्होंने इसको ज्वाइन कर रखा है। तो ऑल टुगेदर आप कह सकते हैं कि पूरी धरती में जो भी कंट्रीज़ हैं, ऑलमोस्ट जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं उन्हें इस मैग्नेटिक पोल के शिफ्ट का प्रभाव महसूस हो रहा है, मगर ये मैनेजेबल है, कुछ यहाँ पे डिस्ट्रक्शन या लॉस नहीं हो रहा। हमारे पास साइंस है, साइंटिस्ट हैं, संगठन मौजूद है, तो हम आराम से डेटा अपडेट कर रहे हैं। तो अभी के लिए ये सब हुआ है, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक की वो बड़ी होगी और कुछ और आपको जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।